नमेरिकल टू वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ नाइन पॉइंट सिक्स मीटर डाया मीटर फायर होस विद द स्पीड ऑफ वन पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड ये फायर फाइटर है जिसने एक होस पकड़ रखी है फायर फाइटिंग वाली इसके अंदर से पानी गुजर रहा है और इस होश का जो डाया है वह है नाइन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर और उसकी जो स्पीड है इस पानी की इसमें से गुजरने की वह है वन पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड एट द एड ऑफ द होज है होस का द वाटर फ्रोज आउट थ्रू अ नोजल हज़ डायमीटर इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इस नोजल का डायमीटर है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यानी डाय कम हो गया है वट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल के वी टू यहाँ पे क्या होगी यहाँ पे किस फिलोसिटी से पानी बाहर आएगा तो पहले यहीं तक सवाल को करते हैं गिवन हमारे पास क्या डायमीटर ऑफ होस डी वन नाइन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर इसको अगर मीटर में करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स मीटर हो जाएगा क्योंकि नाइन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर का मतलब है, हम लोग नाइन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड की है स्पीड ऑफ वाटर वी वन है वन पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड डायमीटर ऑफ नोजल D2 टू ये टू पॉइंट सेंटीमीटर 2.5 पॉइंट फाइव डिडेड बाई हंड्रेड यानी डिवाइडेड बाई हंड तो ये हो जाएगा पॉइंट जीरो टू फाइव मीटर और हमने मालूम करनी है स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल यानी वी टू मालूम करनी है तो पहले यहीं से करते हैं सोल्यूशन क्या है ए वन वी वन इजल टू ए टू वी टू यहाँ पे देखें ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू यह आपने कंटिन्यूटीशन में पढ़ा हुआ है और अभी इसको फर्दर सॉल्व करें तो ए वन क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वेर होता है तो और चूँकि वन का है तो आर की जगह आर वन लिख देते हैं ए टू भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर लेकिन चूंकि सेकेंड पॉइंट का है तो इसको आर टू कर देते हैं इसी तरह वॉस्टी भी वी वन और वी टू अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है पाई और पाई और हम लोगों ने मालूम करना है वी टू तो वी टू को एक साइड पर रख लेंगे और बाकी चीज़ों को आर वन स्क्वेयर वी वन डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायेयर हो जाएगी फर्दर सॉल्व करें तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है तो ऊपर वाला आर वन है तो वो डी वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा और नीचे वाला डी टू डिवाइडेड बाई टू और स्क्वेयर एज इट इज अब इसको देखें तो ये डी वन डिवाइडेड बाई फोर है डी वन डिवाइडेड बाई फोर और ये डी टू स्क्र डिवाइड बाई फोर तो नीचे वाले फोर फोर आपस में कट जाएंगे और पीछे जो हमारे पास बचेगा डी वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी टू का स्क्यर इन टू वी वन अब इनमें वैल्यूज डाल देते हैं ये डी वन की वैल्यू डाल दी वी वन की वैल्यू डाल दी और ये डी टू की वैल्यू डाल दी अब इनके स्क्वेयर को ओपन करें पॉइंट जीरो नाइन सिक्स का स्क्वेयर होता है पॉइंट जीरो जीरो नाइन टू वन सिक्स और पॉइंट जीरो टू फाइव का स्क्वेयर होता है पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो सिक्स टू फाइव और ऊपर मल्टीप्लाई वन पॉइंट थ्री एज इट इज इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट वन सिक्स नाइन राउंड ऑफ कर लें तो नाइनटीन पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर हमारी वी टू जो है नाइन्टीन पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड है अगला ऐसा क्या है वट डायमीटर नोजल इज़ रिक्वायर्ड यानी कि पीछे की चीज़ तो यही है आगे की जो नोज़ल होगी वो किस डायरे की चाहिए होगी अगर हम चाहते हैं कि पानी 21 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से जाए यानी स्लो जा रहा था पहले 19.2 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुंच रहा तो अब कौन सी नोज़ल लगाएँ के उसकी जो स्पीड है बढ़ जाए तो स्पीड बढ़ानी है तो नोज़ल का साइज छोटा करना होगा ठीक है ये तो आपको क्लियर बता दूँ और चूँकि पहले हम लोग ए वन वी इधर यूज़ कर चुके हैं इधर ए टू यूज़ कर चुके हैं तो अभी इधर ए थ्री थ्री का नाम यूज़ कर लेंगे तो डायमीटर ऑफ नोज़ल D3 हमने मालूम करनी है तो ज़रा थोड़ा सा इस क्लटों को हटाते हैं और अभी हम लोग V3 21 ट्वेंटी मीटर्स पर सेकंड से यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ डा डाया फाइंड करना है कि नोज़ल कौन सी लगानी है ए वन वी वन इथ टू ए थ्री वी थ्री लिख लेंगे और इसको फर्दर करेंगे तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्र यहाँ पर भी एरिया पाई आर स्क्वेयर लेकिन कौन सा नंबर हमने दिया हुआ है वही लगा लेते हैं वन वन और थ्री थ्री पाई पाई आपस में कट जाएंगे और हमने मालूम करना है आर थ्री क्योंकि रेडियस की मदद मतलब से ही बाद में फाइनली डाया मालूम करेंगे तो आर थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू आर वन स्क्र वी वी वन डिवाइडेड बाई वी थ्री और अब जहाँ जहाँ रेडियस है उसको डायमीटर की शक्ल में कर लेते हैं आर थ्री हो जाएगा डी थ्रीड बाई टू का स्क्वेयर और आर वन हो जाएगा डी वन डिवाइड बाई टू का स्क्वेयर अब इस साइड पर डी थ्री स्क्वेयर डिवाइड बाई फोर है और इस साइड पर डी वन स्क्वेयेर डिवाइड बाई फोर तो नीचे वाले फोर फोर कट जाएंगे और नीचे ये V3 भी एज इट इज़ रहेगा तो इससे अभी हमारे पास बन जाएगा D3 थ्री स्क्वेयर इस साइड पर और राइट साइड पर डी वन स्क्वेयर वी वन डिवाइड बाई वी थ्री अब इनके अंदर वैल्यूज डालने की बारी आ गई है ये D1 की वैल्यू ये V1 की वैल्यू और V3 की वैल्यू इसको स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो पॉइंट जीरो जीरो नाइन टू वन सिक्स बाई वन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी वन इसको ऊपर ले जाते हैं इज टू पॉइंट जीरो 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 फाइव सेवन वन ये हमारे पास डी थ्री का स्क्वेयर अभी हम लोगों ने स्क्वेयर रूट ले लेना है ताकि एग्जैक्ट आया मिल जाए और ये आया है पॉइंट ज़ीरो टू थ्री एट एट मीटर अब मीटरों की तो बात ही नहीं चल रही असल में बात कितनों की चल रही है सेंटीमीटर्स की ये देखें नाइन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर की थी तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे यानी इस साइड पे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर देंगे तो टू पॉइंट थ्री एट एट सेंटीमीटर राउंड फिगर में करेंगे तो टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर इनिशियली कितनी थी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है तो डायमीटर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा बार बार सब्सक्राइब के, के लिए कहना किसी भी टीचर के शान के खिलाफ है लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लाइक या डिसलाइक से अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और कमेंट्स में वजह भी बता दिया करें शुक्रिया